सो ए वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाय, इतने दिनों से हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो क्यों नहीं डली, क्योंकि गाइज आपके भाई के चल रही थी बोर्ड एग्जाम। एग्जाम्स की वजह से गाइज यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो आपका भाई आपके लिए अब रोज़ डेली मस्त वाले ब्लॉग्स लाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आपने आज की इस वीडियो को। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे साथ है रॉयल इनफील्ड की ओर से आने वाली क्लासिक 350 2070 एडिशन BS4। तो गाइज, इस बाइक की इंडियन मार्केट में एक अपनी अलग ही पहचान है, खास करके कुछ स्टेट जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, उनमें यूथ के बीच में इसका अलग ही लेवल का क्रेज़ है। तो फ्रंट में सबसे पहले हमको देखने को मिलती है आगे में हैलोजन हेडलैम्प्स विथ हैलोजन इंडिकेटर्स, और उसके साथ दो ऊपर पायलट लैम्प्स आते हैं जिसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, जिसको मॉडिफाई कराया गया है ग्रीन कलर में। तो गाइस, जब बात करी जाए इसकी ब्रेक्स की, तो इसके अंदर आता है फ्रंट में 280 mm का डिस्क साइज, और बात कर ले टायर की तो इसके अंदर आता है 90x90 का 19 इंचेस का फ्रंट व्हील। और गाइस, बात कर ले इसके रियर व्हील्स की, तो इसमें हमें रियर में मिलते हैं 110x19 18 इंचेस के टायर्स, जिसमें कि हमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, इसमें ड्रम्स ब्रेक ही मिलते हैं क्योंकि ये BS4 मॉडल है। तो गाइस, जब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो हमें इसके अंदर मिलती है 346 सीसी की सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 98 BHP की एट द रेट 5250 RPM पे, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28 Nm का एट द रेट 4000 RPM पे। इसमें हमें 5-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलती है, और कंपनी क्लेम करती है कि इसका टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। गाइस, बात की जाए अब इसके स्पीडोमीटर की, तो यहाँ पे हमें मिलता है ऑडोमीटर, यहाँ पे मिलता है हमें एम्प मीटर, और यहाँ पे हमें की सेक्शन मिलता है जहाँ कुछ इस प्रकार की चाबी लगती है। जब बात की जाए इसके हैंडल बार की, तो यहाँ पे राइट साइड में हमें इंजन किल स्विच देखने को मिलता है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंडल बार की बात करें, तो यहाँ पे हमें मिलता है पासिंग स्विच, यहाँ पे मिलता है अपर डिपर, यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स, और यहाँ पे हॉर्न का स्विच, जो कि मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। गाइस, बात की जाए इसके रियर व्यू मिरर्स की, तो इसकी क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है क्रोम फिनिश में की, तो इसके अंदर हमें मिलता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। साइड से टैंक की लुक की बात करें, तो यहाँ पे हमें रॉयल इनफील्ड के स्टिकर टाइप देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें टैंक पैड देखने को मिलेगा। गाइस, बात करी जाए इसकी सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पे राइडर के लिए काफ़ी अच्छी सीट दी गई है, इसकी कुशनिंग बहुत ही बेस्ट है। रियर में उतना कोई खास कम्फर्ट नहीं है, 50-60 किलोमीटर के बाद आपको लगेगा कि हम ईट पर बैठे हुए हैं, जो कि इसका काइंड ऑफ डिसएडवांटेज टाइप का है। बात की जाए इसकी सीट हाइट की, तो इसके अंदर हमें मिलती है 805 mm की सीट हाइट, जो कि एक 5.6 फीट का भी बंदा आराम से इसको हैंडल कर सकता है। तो गाइज, मेरे साथ है मेरे फ्रेंड गौतम, जिनकी हाइट 5.6 फीट है, ये आपको इस पे बैठ के दिखाएंगे कि इनका पैर कंफर्टेबली ग्राउंड तक आ पाता है कि नहीं। तो गाइज, अब देख रहे हैं इनके पैर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, मैं दोनों साइड से आपको दिखा दे रहा हूँ। गाइज, इसका मतलब है कि इस बाइक को 5.6 फीट के बंदे भी इजीली हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका कर्व वेट ज़्यादा है, इसके कारण थोड़ा सा इसको मोड़ने में तकलीफ आती है। तो इसके अंदर हमें 195 kg का कर्व वेट मिलता है। बात की जाए इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके अंदर हमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। गाइज, इसके अंदर हमें ड्यूल हॉर्न देखने को मिलता है, और इसमें आफ्टर मार्केट लेग गार्ड लगवाए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। गाइज, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे फ्यूल गेज देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें एयर फिल्टर देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि कंपनी फिटेड ही है। यहाँ पे हमें रियर सस्पेंशन भी क्रोम फिनिश में देखने को मिलते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। तो चलो गाइज, अब इसको हम थोड़ी सी राइड करके देखते हैं।
never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings. Every other day you change your mind. Cause when you're high, you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you to wind up when you're lying in bed and feeling lonely. I'm tired of being deployed like that. I'm getting busier and busier, so this old. गाइज इस मजेदार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. ओके देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.